Hi guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. So Star Plus गुम है किसी के प्यार में. ये शो को लेके ना कुछ चीजें काफी कंसिस्टेंट रही हैं. चाहे वो व्यूवर्स का प्यार है सई विराट के कैरेक्टर को लेके, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री या लव स्टोरी को लेके, या फिर व्यूवर्स की नफरत हो पाखी के कैरेक्टर को लेके. अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज और कंसिस्टेंट रही है इस शो को लेके, वो है व्यूवर्स की नाराजगी शो के कुछ स्टोरी ट्रैक को लेके. आपको अगर याद होगा कुछ महीने पहले गुम है किसी के प्यार के जो व्यूवर्स एंड फैंस थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये शो जब भी ऐसे सीन्स बताता है जब पाखी, जो कि विराट की भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जब पाखी का कैरेक्टर गलत तरीके ढूंढता है विराट के करीब जाने को, एंड जब किसी ना किसी तरीके से ये जस्टिफाई किया जाता है कि कैसे पाखी का कैरेक्टर है जो इसकी एक इच्छा है विराट के करीब जाने की, ऑल्दो वो विराट उनके देवर है या फिर पाखी मैरिड है विराट के भाई से, वो कितना जस्टिफाइड है. तो व्यूवर्स ऐसे ट्रैक्स को लेके बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं, एंड उन्होंने कुछ महीने पहले भी बताया था कि ये जो शो है ये बहुत ही एक गलत चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है. अब हुआ ये है कि एक बार फिर से इस शो में ऐसे ही कुछ सीन्स टेलीविजन पे आए हैं जो कि व्यूवर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं. तो जिन्होंने भी रीसेंट एपिसोड्स देखे होंगे, जब तक टेलीविजन स्क्रीन पे तो नहीं आए हैं लेकिन हॉटस्टार पे आए हैं, जहां पे विराट जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑफकोर्स अपने जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं, एंड पाखी जब उनको ऐसी कंडीशन में देखती है तो वो रोक नहीं पाती हैं. वो डेफिनेटली सई, जो कि विराट की बीवी है, उन्हें तो विराट से मिलने को ही मना कर देती हैं, बट वो खुद जाती है विराट से मिलने. एंड विराट को इस हालत में देख के पाखी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, एंड वो जो अपना प्यार है वो विराट के लिए कन्फेस कर देती है. तो ये जो सीन्स है, इसे सोशल मीडिया पे काफी हेट्रेड मिल रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये सीन कितना टॉक्सिक है, एंड बार बार एक भाभी का अपने देवर के लिए इस तरह से खिंचाव, ये कितना किस हद तक सही है. तो खैर, ये है सोशल मीडिया के व्यूज, जो सोशल मीडिया पे जो यूजर्स हैं और जो इस शो के फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, ये उनके व्यूज हैं. लेकिन आप भी जरूर बताइए कि आप इस पूरे ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं. क्या आपको लगता है कि ये शो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है कि कैसे एक देवर और भाभी का रिलेशनशिप होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि ये एक टेलीविजन सीरियल है एंड यहाँ पे सब कुछ फिक्शनल ही होता है, तो हमें इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और एक फिक्शनल स्टोरी के पर्पस के नजरिए से देखना चाहिए और ज्यादा हमें रिलेशनशिप एनालिसिस नहीं करना चाहिए. तो जरूर बताइए कि आपकी व्यूज क्या है कमेंट सेक्शन में. एंड फॉर मोर न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, डू सब्सक्राइब टू ग्लिट्स विजन यूएसए. हाय गाइस, माय नेम इज नील भट्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.